हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर सॉफ्ट फ्रूट केक की रेसिपी, जो बिना ओवन के घर के रखे सामानों से आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ केक टिन ले लिया, ये 6 इंच का केक टिन है। अब इसको ग्रीस कर लेंगे हम तेल से चारों तरफ। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे जिसमें 1/4 कप दूध लेके 1 चम्मच सिरका डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जब तक ये दूध कर्डल ना हो जाए। और ये देखिए अब ये दूध कर्डल हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/3 कप रिफाइन ऑयल। रखिएगा कोई फ्लेवर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क से क्या होता है ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप यहाँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ छन्नी। इसके ऊपर हम डाल देंगे 1/4 कप मैदा, अगर आप कटोरी का इस्तेमाल करेंगे तो 1/4 कटोरी मैदा। इसके बाद 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छी तरह से हमको छान लेना है। छानने से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इससे केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। अब इसको हम धीरे धीरे करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। तो बैटर मुझे यहाँ थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर लूँगी और इसको फिर से फेंट लेंगे। अब ये देखिए स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है। इस कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए, तो अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये केक का बैटर अब रेडी है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ कटे हुए काजू और टूटी फ्रूटी, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस केक बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये देखिए एकदम रिबन कंसिस्टेंसी है, तो ये परफेक्ट है। अब इसके बाद हम इसको टैप कर लेंगे ताकि इससे एयर बबल्स हट जाए। अब चलते हैं बेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब इसमें केक बैटर डाल के इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए कुक करना है। और 15 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चेरी और काजू। इसको इस तरह से ओपन में सजा देंगे। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ध्यान रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको कवर करके फिर से 25 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस केक को बनते हुए 40 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे और ये केक बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो चाकू की सहायता से इसके साइड्स को स्क्रैप कर लेंगे। इसे प्लेट में पलट कर हम इसे थोड़ा सा थपथपा लेंगे। उसके बाद इसका जो बटर पेपर है उसको निकाल लेना है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा केक बनकर रेडी है। ये देखिए ये सुपर सॉफ्ट केक बनकर तैयार है। तो अब मैं इसे कट कर दिखाती हूँ ये कैसा बना है। तो मेरी इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मेजरमेंट जैसे मैंने बताया है बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेजरमेंट लेंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये देखिए केक का टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।